अब हमारे साथ शेयरिंग के लिए मृणालिनी दीदी हैं जी। दीदी, आपने अपनी फर्स्ट वर्कशॉप जनवरी 2011 आईआईटी कानपुर से की थी और दीदी अभी अपने परिवार सहित दो बच्चों का ध्यान रख रही हैं अपने घर पर, और दीदी रिसर्च स्कॉलर भी हैं। तो इसी के साथ दीदी, आपका स्वागत है अपनी शेयरिंग रखने के लिए। ओवर टू यू दीदी। सभी को नमस्ते। मेरे यहाँ तक की यात्रा में जिनका भी प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से योगदान है, मैं सभी के लिए कृतज्ञ हूँ। कुमार भैया, परीक्षित भैया और शर्मिला दीदी के लिए मैं खास करके अपनी कृतज्ञता व्यक्त करती हूँ, क्योंकि मेरे सीखने समझने में और मैं जो वॉलंटियरशिप का काम करती हूँ इसमें वो बहुत ही उदारता से मुझे सहयोग करते हैं। और कुमार भैया के लिए मैं खास कर इसलिए हूँ कि इस बार जो मैंने सुबह अभ्यास सत्र शुरू किया है, तो मैंने उसमें ये ऑब्जर्व किया है कि कुमार भैया का एक गुरु की तरह ये प्रयास रहा है कि मैंने जितना सीखा समझा है तो मैं अपनी जिम्मेदारी पर उसको निर्णय लूं। तो ये भाव मुझे उनके लिए बहुत वो करता है कि ये गुरु का भाव है मुझे समझदार और जिम्मेदार बनाने के लिए। और मुझे बहुत गर्व है कि उन्हें मैं वो मेरे भैया हैं और हम लोग भाई बहन सीखने समझने में एक दूसरे के सहयोगी हैं। मैं गुरुजनों के लिए बहुत कृतज्ञ हूँ कि इसे मैं अपना पुण्य मानती हूँ कि मुझे इस विषय वस्तु से, जैसे भी जिसको हम लोग नियति विधि कहते हैं, उससे मुझे परिचय हुआ। 2009 में मैंने MBA किया था। उस समय जब पहली बार उत्तर प्रदेश टेक्निकल यूनिवर्सिटी में इसे IIIT हैदराबाद के बाद प्रयोग किया गया था, तो इस विषय वस्तु को मैंने पढ़ा था। उसके बाद 2011 में जब मैं शिक्षण कार्य में आई कॉलेज में, तो मैं इस पहला वर्कशॉप मैंने IIT कानपुर में किया था। मैंने लगातार 5 साल 10 सेशन में इसे बच्चों को पढ़ाया है और 7 वर्कशॉप जो है रेसिडेंशियल वर्कशॉप मैंने दिल्ली NCR और कानपुर में किया है, और एक लेवल 1 का और लेवल 2 का मैंने संस्थान में जो है सो सर के संस्थान में कानपुर में किया है। अभी मुझे 2021 में पहली बार मेरे एक स्टूडेंट है IPEC में आकाश मिश्रा जी और कुमार भैया से इसकी सूचना मिली, तो मैंने अभ्यास सत्र इसको ज्वाइन किया और बीच में 2 सेशन मेरा छूट गया, बच्चे स्कूल जाने लगे तो वो उसमें नहीं हो पाया, तो लेकिन फिर मैंने अगेन उसको ज्वाइन कर लिया। मैं इंग्लिश का सुन लेती हूँ और उसके बाद बच्चों को स्कूल के लिए वो करती हूँ। अब जैसा कि मैंने कई बार बताया कि मैं एक आस्थावादी परिवार में थी, जीवन में बहुत समस्याएं आती थी तो मैंने बहुत प्रयोग किया, पूजा पाठ करना, ये मंत्र और फेंग शुई वगैरह, और सुविधा वाला कार्य पे बहुत सारा क्लियरिटी थी, लेकिन जब मैं इस विषय वस्तु से जुड़ी तो वो जो समृद्धि वाला चीज है वो मुझे स्पष्ट हुई। आज मैं अपनी जिम्मेदारी पर ये कह सकती हूँ कि मुझे जीवन में कितनी सुविधा चाहिए उसको मैं तय कर सकती हूँ और उससे मैं परेशान नहीं होती हूँ। जैसे मेरा फ्रिज खराब हो गया तो अभी मैंने फ्रिज नहीं खरीदा है, तो मुझे इससे कोई दुख नहीं है। मैंने इतना MBA किया, PhD किया, मैं अभी बच्चों को देख रही हूँ तो मैं बहुत जिम्मेदारी से खुश होकर देख रही हूँ। मुझे ये दुख नहीं है कि फ्रस्ट्रेशन नहीं है कि मैं नौकरी नहीं कर रही हूँ, नहीं, मैंने इसको तय किया है कि पैसे थोड़े से कम ही आएंगे घर में, लेकिन मैं बच्चों पर ध्यान दूंगी और अपने परिवार पर ध्यान दूंगी। अब मैं उस पर आती हूँ। मैंने इससे पहले भी जो रेसिडेंशियल वर्कशॉप किया था तो कल्पनाशीलता मेरे अंदर चलती है, उस पर ध्यान गया था। जो हमारे भानु प्रताप सर है वो इस चीज को करवाते थे, लेकिन अभी जब मैंने अभ्यास सत्र जैसे ही मैंने शुरू किया तो मुझे ये चीज समझ में आ गया कि जो हमने सुना है उसका ये प्रैक्टिकल है। तो यदि मैं इसके मुख्य बिंदुओं पर बात करूं तो मानव पर मेरा जो ध्यान, पहले मेरे पास सूचना थी कि हम सही समझ सही भाव से इसको मानव के साथ सुखपूर्वक जी सकते हैं, मानव सुख धर्मी है, लेकिन अभ्यास सत्र के बाद इसको ये मेरा ध्यान गया है कि जो सही समझ सही भाव जो है उस पर मुझे कैसे कार्य करना है। तो सबसे पहले विश्वास के भाव पर मुझे काम करना है। जब मैंने अभ्यास एक शुरू किया कि मेरे अंदर सही भाव चल रहा है या गलत भाव, कोई अनर्गल भाव, मैं अपने भाव को, मैंने चैतन्य के द्वारा चैतन्य को देखना जब शुरू किया तो दृष्टा भाव पर भी मेरा ध्यान गया, और जो सही भाव मेरा चल रहा है या गलत भाव चल रहा है इस पर जब ध्यान लगाया तो फिर वापस मेरी कुमार भैया से बात हुई, तो फिर विश्वास वाला चीज जो है कि मैं दूसरे को सुखी करना चाहती हूँ या दुखी करना चाहती हूँ इस पर मेरा ध्यान गया, तो इस पर मैंने कार्य किया। तो अभ्यास एक में मुझे ये चीज दिखता है कि मेरे अंदर सही भाव चल रहा है या गलत भाव चल रहा है, उसको मैं कैसे सही कर सकती हूँ, उसका परिमार्जन कर सकती हूँ। जब मैं शरीर चैतन्य के द्वारा शरीर को देखने वाला काम जो मैं करती हूँ,
तो शरीर में मेरे संवेदना है ये मुझे दिखता है, मेरे अंदर भाव है ये मुझे दिखता है। मैं शरीर को ऑर्डर देती हूँ कि हाथ उठाओ, ग्लास पकड़ो, भोजन बनाने जाओ, सफाई करने जाओ, लेकिन मैं अपनी जिम्मेदारी पर अभी ये नहीं कह सकती हूँ कि मेरे और शरीर के बीच में दूरी है। मैंने कुमार भैया से बात किया था तो भैया का कहना है कि इसमें टाइम लग सकता है, लेकिन उसमें जो है सो करना है। और इस सेशन में खासकर मैंने इस बात पर ध्यान दिया है कि बाहर से यदि कुछ भी ट्रिगर होता है तो उस पर मैं प्रतिक्रिया करती हूँ या अनुक्रिया करती हूँ, इस पर मैंने अधिक ध्यान इस अभ्यास सत्र में जो है सो दिया है। मेरी अपनी जो एक्टिविटी है, मेरा अपना जो आहार विहार है, उठना बैठना है, बॉडी लैंग्वेज है, उससे किस तरह से वो होता है, इस पर मेरा अधिक ध्यान इस पर गया है। यदि मैं प्रकृति की बात करूँ तो मैं भी BSc हूँ और MBA हूँ, तो प्रकृति में बहुत सारी समस्या है, इस पर तो इसकी तो सूचना थी, इस पर तो था, लेकिन 2-3-4 साल पहले गुरुजनों से मेरा बात हुआ तो मैंने उनसे ये चीज पूछा कि मेरी तो इसमें कोई भागीदारी, कुमार भैया से भी अभी भी मैंने पूछा था, इस सेशन में भी प्रश्न पूछा था, तो गुरुजनों से बात हुआ तो मेरी इसमें तो डायरेक्ट कोई भागीदारी नहीं मैं कर रही हूँ कि पर्यावरण में जो प्रदूषण है या रिसोर्स डिप्लीशन है, ओजोन डिप्लीशन है, लेकिन इसको संरक्षण, संवर्धन और सदुपयोग कैसे किया जाए, इस पर इन डिटेल में गुरुजनों से मेरी चर्चा हुई थी। तो अभी तो उस पर मेरा ध्यान है कि मैं कैसे उस चीजों का प्रयोग कम करूं जिससे कि पर्यावरण का नुकसान कम हो। हाँ, इसके लिए जो एक और जो गुरुजन काम कर रहे हैं कि लोगों में इसको इसकी समझ बढ़ाने का काम, उसमें अभी मेरी भागीदारी नहीं है। कहते हैं कि सेवा जो है हम लोग तन मन धन तीनों तरह से करते हैं, तो ज्ञान ज्ञान वाला पार्ट जो है, जो अपने संबंधियों का समझ विकसित करने वाला पार्ट, या मैं बच्चों को ही जो पढ़ाती थी, ये वाले काम में अभी मेरी भागीदारी नहीं हो रही, तो नो मैटर। और उस पर प्रकृति पर मेरा ध्यान है। अस्तित्व के बारे में बहुत पहले मेरे पास सूचना थी कि जो भी इकाई यहाँ अस्तित्व में डूबी है, घिरी है, भीगी है, लेकिन वो जस्ट मेरे पास सूचना ही थी। जो ईश्वर है, देवी देवता है, ब्रह्म वस्तु, बहुत सारा शब्द मैंने सुना हुआ था, उसको जानने की इच्छा तो थी, जैसा कि मैंने बताया कि मैं एक आस्थावादी परिवार से हूँ। लेकिन इस सेशन में क्या हुआ ना कि कुमार भैया जैसे एक दिन समझा रहे थे किसी और भैया को कि ठीक है, आधार में वो चीज है, अब हम ये कहते हैं कि ऑफिस जाने में, मेरा घर चलाने में इसका क्या योगदान है, तो मेरा ध्यान उस पर गया है कि नहीं, जो चीज आधार में है उसको यदि हम समझ लें तो और सब चीजों को हम समझ सकते हैं, अच्छे से समझ सकते हैं। पहले मैं ये मानकर बैठी हुई थी कि जब मेरी योग्यता बनेगी तो गुरुजनों का प्रस्ताव आएगा अस्तित्व को भी जानने के बारे में। फिर मानवीयतापूर्ण आचरण की यदि बात करें तो जो भी 32 मूल्य को मुझे मेरे सामने कई बार प्रस्ताव के रूप में आए हैं वर्कशॉप में, तो उस पर धीरे 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 मेरा ध्यान तो जा ही रहा। बहुत सारा जीना मेरा सही है, लेकिन ठीक है, बहुत सारा मेरा जीना सही, उसकी चर्चा यहाँ पर नहीं करनी है। मेन जो है सो ये करनी है कि मेरे कल्पनाशीलता में जो समस्या है जिसके कारण कि मैं हर क्षण हर पल दुखी नहीं हो पाती हूँ, तो उस पर जो है रिग्रेसली मुझे काम करना है। मानवीयतापूर्ण आचरण के लिए जो 32 मूल्यों की बात है, तो मैं आती हूँ तो सबसे पहले तो विश्वास पर ही अटक जाती हूँ, जो धीरता वीरता उदारता है उसमें जो है सो ये तो इच्छा है अभी ना कि तन मन धन इसी के लिए लगाना है। अभी तन मन धन उसके लिए लगा तो नहीं रहे, अभी तो अपनी ही योग्यता को बढ़ा रहे, लेकिन अच्छी बात है कि मेरा उस पर जो है ध्यान गया है। जो दया कृपा करुणा वाली बात है, तो किसी को वस्तु नहीं है तो वस्तु यदि हम मेरे पास जो भी है, मैं जिस स्थिति में भी सक्षम हूँ तो वस्तु भी उपलब्ध करा देती हूँ, यदि जरूरत होती है तो किसी को मेरे से कुछ सीखने समझने की इसी भी से वस्तु को, तो उसके लिए मैं तत्पर रहती हूँ। और करुणा की बात है कि दोनों उपलब्ध करा देना, तो मेरी वर्तमान में जिसमें स्थिति है बिल्कुल मैं उसके लिए तैयार हूँ कि यदि कोई किसी को वस्तु की उपलब्ध जरूरत है या किसी को समझ की जरूरत है तो मैं उसको करती हूँ, कर देती हूँ, तो ये चीज है। और सुख शांति संतोष आनंद वाले में भी यदि थोड़ा बहुत भी मुझे कभी कुछ भास आभास जो होता है, जो जितना मैं अच्छा जीती हूँ, तो उस पर मेरा जो जिसको बार बार आप लोग वर्कशॉप में कहते हैं कि हायर एक्टिविटीज पर ध्यान देना, तो उस पर जो है सो धीरे धीरे जो है सो ध्यान जो है वो जाता है। और पिछले 4 महीने में जो है सो ये मेरी एक सबसे बड़ी उपलब्धि हुई है। मैंने जैसे कई बार अपने वर्कशॉप में अपने स्व मूल्यांकन में कहा है कि 1-2 लोगों को पर मेरी भाव को लेकर बहुत अधिक निर्भरता है, थी, है, जो कि मेरे दुख का कारण है, लेकिन इस सेशन में मैंने इस पर ध्यान दिया है कि नहीं, ठीक है, वो सामने वाला का जो भी जीना है, मैं किस स्थिति में
अपने में अच्छा महसूस करती हूँ, मुझे उस पर ध्यान देना है। तो इससे मुझे अपने में पहले की तुलना में अधिक हार्मनी होता हुआ दिख रहा। कभी जब मेरा भाव बिगड़ जाता है बच्चों को लेकर, परिवार को लेकर या किसी और चीज को लेकर, तो मैं इमीडिएट उसको परिमार्जन करने की कोशिश करती हूँ कि नहीं देखो इस स्थिति में तो मैं अपने में जो है सो परेशान महसूस कर रही हूँ, तो इसको मुझे जो है सो ठीक करना है। अभी सबसे जो महत्वपूर्ण उपलब्धि मैं एक और यहाँ चर्चा करूंगी कि इससे पिछले वाले मॉर्निंग सत्र में जब बार बार ध्यान दिलाया जाता था कि बाहर से हम लोग सुख ढूंढते हैं, तो मैंने 100 बार फेसबुक और व्हाट्सएप को अनइंस्टॉल कर दिया था मोबाइल में, फिर इंस्टॉल कर लेती थी। लेकिन इस बार मेरा ध्यान इस पर गया है और मैं पूरी ईमानदारी से आप लोगों को कह सकती हूँ अब मोबाइल मुझे नहीं चला रहा है, मैं मोबाइल को चलाती हूँ। मैं अपनी इच्छा से, ठीक है मेरे पास मैं तो जॉब कर नहीं रही हूँ, मैं कोई खोजी पत्रकार तो हूँ नहीं कि मेरे मोबाइल पे मिनट मिनट में सूचना आ रही है। मैं अपने हिसाब से जो है मोबाइल पे, जैसे मैं जो टीम डेवलपमेंट में उसका कोई सूचना आया या दीदी भैया जो असाइनमेंट देते हैं, या ठीक है मैं अपने बहुत मेरे ऐसे संबंधी जिनसे मैं कभी नहीं मिल सकती उनको मैं गुड मॉर्निंग बोलती हूँ, तो मैं उसको अपने हिसाब से चेक कर लेती हूँ। वो अब मेरे उसके लिए नहीं कि मैं उसके लिए बेचैन हूँ कि मिनट मिनट पर एक एक घंटे पर मोबाइल को जो है किए जा रहे हैं। मैंने अब मोबाइल को अनइंस्टॉल भी नहीं किया और मैं उसको चला रही हूँ, मोबाइल मुझे नहीं चला रहा है। क्योंकि एक दिन कुमार भैया ये चीज ध्यान दिलाए थे कि हम लोग बहुत सारा काम ऐसा करते हैं जिसकी कोई उपलब्धि नहीं है। जब इसको मैंने बचपन से लेकर अभी तक जब इस चीज को मैंने देखा तो मुझे बहुत सारा ऐसा चीज पर ध्यान गया जिससे कुछ भी उपलब्धि नहीं हुआ, कुछ भी उपलब्धि नहीं हुआ। मुझे लगा कि इसके बदले मैं यदि अपने अभ्यास पर ध्यान लगाऊं तो उस पर जो है सो वो अधिक जो है सो उपलब्धि मेरे लिए वो है। स्वयं को मैं सुबह 7 बजे से लेकर के और अभी बच्चे जब तक स्कूल में रहते हैं तो 1 बजे तक मैं फ्री, मतलब बच्चे नहीं रहते तो मेरी जिम्मेदारी उनको देखने की, चूंकि बच्चे छोटे हैं तो उस समय मैं ऑनलाइन वर्कशॉप भी जो होते हैं उसको मैं सुनती हूँ। पीपीआई कॉलिंग वाली भी काम करती हूँ। टीम डेवलपमेंट में यदि छोटी बड़ी जो भी जिम्मेदारी मेरी होती है तो मैं उसको बहुत सुख पूर्वक करती हूँ कि इतने बड़े कार्य के लिए जो है सो इसमें मेरी थोड़ी सी भी यदि भागीदारी हो जाए, पत्थर में कंकड़ डालने का भी, तो बहुत ही मेरे लिए अच्छा है। अब जैसे अभी कुमार भैया ने ध्यान दिलाया, मैंने पूछा कि मुझे कितना समय लगाना चाहिए तो मैं समझदार हो जाऊँ, तो भैया का कहना था कि हर क्षण हर पल तो मेरी सजगता नहीं होती है, ध्यान तो टूट ही जाता है, गलती हो जाती है चूंकि, तो उस पर मैं समय जो है अपना लगा सकती हूँ 1 घंटे 2 घंटे जो जिम्मेदारी वाला काम है उस पर भी मैं सामाजिक अभी उस पर भी मैं जैसे जैसे मैंने उपासना दीदी से बात किया था, मेरे बच्चे अभी छोटे हैं तो मैं समय का इंतजार कर रही हूँ, थोड़ा सा और हो जाए तो और भी मैं अपनी भागीदारी को जो है सो बढ़ाऊंगी। और एक बात और मैं शेयर करना चाहती हूँ, इससे पहले जब 2021 में मैंने शुरू किया था, मैं सीढ़ी पे चल रही थी तो कुमार भैया का ध्यान गया था कि सांस फूल रहा है तो 8 किलोमीटर टहलना चाहिए, तो मैं 8 किलोमीटर तो नहीं, रोज मैं 5 किलोमीटर टहल रही हूँ। मेरा स्वास्थ्य भी पहले से ठीक हुआ है, मेरा बहुत अधिक घुटना में दर्द था, शुगर बढ़ गया था और तो उसमें बहुत सुधार हुआ है। और मैंने अपने भोजन के उसको भी चेंज किया है, मैंने बहुत थ्योरी पहले लगाया कि मेरे गुरु जैसा भोजन करते हैं वैसा मुझे करना चाहिए, लेकिन वो सब चीज काम नहीं आया। लेकिन अभी मैंने उस पर काम किया है तो भोजन का आदत भी चेंज हुआ है। कुमार भैया और परीक्षित भैया से सूचना मिली थी, स्वास्थ्य शिविर का लिंक भी भेजा, उसको भी मैं सुनती हूँ तो मुझे उससे भी बहुत फायदा हुआ है। तो ये भी इसको भी मैं एक उपलब्धि मानती हूँ कि शरीर पर यदि मेरा मैं उसको बिल्कुल ईमानदारी से टहलने वाले काम को कर रही हूँ और भोजन के भी बहुत सारे उसको चेंज कर दिया है, तो ये भी इसको भी मैं एक बहुत ही बड़ी उपलब्धि मानती हूँ। और इसके अलावा जो है सो मैं अपनी तरफ से जो है सो यही कहना चाह रही हूँ कि मेरी एक और योजना है कि मुझे अपने बच्चों को भी इस पर जोड़ना है। मैं अपने पति को के लिए भी बहुत कृतज्ञ हूँ कि वो मुझे सदैव सहयोग करते। पहले तो उनका ये था कि नहीं ठीक है महिला को आर्थिक रूप से स्वावलंबी होना चाहिए, लेकिन दीदी और सर के स्नेह से उनकी भी स्वीकृति है कि मुझे अपने पूरे परिवार को, वो कभी मुझे मना नहीं करते हैं कि मुझे कानपुर जाना है या मुझे बच्चों से, या हम लोग जैसे मोबाइल में जो ह्यूमन वैल्यूज वाला वीडियो है उसको मैंने बच्चों के लिए सेव कर दिया, तो बच्चे अभी तो उतना नहीं समझते, फिर भी वो लोग पूछते हैं, संस्थान है, सर है, भैया है, मामा कुमार संभव भैया, जैसे कुमार संभव भैया एक चीज ध्यान दिलाए कि परिवार में यदि हम सेवा करते हैं तो उससे एक बॉन्डिंग भी बनती थी, इसकी चर्चा की मैंने कि मामा ऐसा कह रहे थे, तो बच्चों का इस पर ध्यान गया कि नहीं हमें पापा मम्मी का पैर दबाना चाहिए। मेरी बेटी ने कहा भी, हम उनको एक मेरे कॉलोनी में एक बुजुर्ग है तो बच्चे रोज उनको प्रणाम करके स्कूल जाते हैं, तो मैंने कहा कि बाबा ने तो तुम्हें यह आशीर्वाद दिया है कि सुखी हो रहो तो कैसे तुम सुखी रहोगे, तो उन्होंने मेरी बेटी ने कहा कि मम्मी पापा की सेवा करके।
तो क्योंकि मेरा ध्यान गया था, मेरा बेटा कह रहा था कि ऑफिस में जाऊंगा, मैं ऑफिस नहीं जाऊंगा, मैं कॉलेज जाऊंगा पढ़ाने। तो मुझे लगा कि हमारा यदि आचरण सही होगा, ये मेरा बच्चा ये चीज कह रहा है कि पापा जो काम करते हैं हम यदि सही करेंगे तो मेरे बच्चे भी सही करेंगे। तो कुमार भैया से मैंने इस पर भी चर्चा किया था, प्रश्न पूछा था, तो मुझे बहुत खुशी हुई कि मेरी बेटी ने ये कहा कि ये पापा मम्मी की सेवा करके हम सुखी हो जाएंगे। अभी उसका उतना वो बच्ची है, तो इसके लिए भी मैंने कोशिश किया कि मैं यदि अपने हस्बैंड का पैर दबाऊं, बच्चों का तो मैं करती हूँ, मालिश करती हूँ, तो बच्चों का ध्यान इस पर जाएगा तो एक एक छोटी ही चीज, भले ही छोटी ही हो, उसको मैं इम्प्लीमेंट कर पाऊंगी। तो मैं अपने पति के लिए भी बहुत कृतज्ञ हूँ, वो सदैव मेरा सहयोग करते हैं, बच्चों की सेवा में भी सहयोग करते, वो कभी मुझे मना नहीं करते हैं। अभ्यास सत्र में ही बच्चे भी जग जाते हैं तो वो सहयोग करते हैं, यदि मैं टीम डेवलपमेंट वाला में भी करती हूँ तो वो बच्चों का सहयोग करते हैं, तो उनका भी बहुत योगदान है मुझे आगे बढ़ाने में और मुझे सीखने समझने में सहयोग करने में। इसके अलावा जो है सो एक मेरी ये भी योजना है कि मुझे इस अभ्यास वाले काम को और मन लगाकर और रिग्रेसली करना है। जैसा कुमार भैया का प्रस्ताव है कि मुझे और हर क्षण हर पल देना चाहिए, एक ये भी मेरी है। जैसे जैसे असाइनमेंट आता है तो असाइनमेंट में जो भी आज कर रहा था मैं उसको कोशिश करती हूँ कि उस चीज को पूरा करूँ, तो इसको मुझे और मन लगा करके करना है ताकि मेरी और योग्यता जो है उसको बढ़ सके। इसके अलावा जो है सो जो भी जाने अनजाने मेरे से या मेरे अज्ञानता से यदि कुछ भी इस तरह का हुआ है तो उसके लिए मैं ये अपेक्षा करती हूँ दीदी भैया से कि वो इतनी उदारता मेरे लिए रखेंगे कि उसको वो उससे वो प्रभावित नहीं होंगे, जिसको हम लोग क्षमा कहते हैं। और आप लोगों ने मुझे जो इतना देर सुना है इसके लिए मैं आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद करूंगी, सभी का धन्यवाद, सभी को नमस्ते। जी मृणालिनी दीदी बहुत धन्यवाद जी, आपने जीने में जो छोटे छोटे परिवर्तन किए हैं वो हम सभी के लिए बहुत प्रेरणादायी हैं। और हमें याद है कि आप काफी सारे अपने क्वेश्चन से हम सभी को भी बहुत अच्छी डायरेक्शंस देते थे, तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद दीदी जी। नमस्ते सभी को, दीदी भैया सभी, तो मृणालिनी दीदी को तो आवाज बहुत जानी पहचानी लग रही है। जो भी क्वेश्चन पूछने वाले थे उसमें हम दो तीन लोग कुछ ज्यादा ही पूछते थे तो उसमें दीदी थी। तो दीदी आपकी शेयरिंग से तो ऐसा लग रहा है कि आपके जीने में आ रहा है धीरे धीरे, लेकिन दीदी क्या आप बता सकती है कि अभ्यास दो में से वहां लिखा है या कुमार भैया ने हमको बताया है कौन से दो इम्पोर्टेंट स्टेप्स है जो कि हमको सदैव याद रखना है या जो UHV 3 का सार है, मेन पार्ट्स ऑफ दी UHV 3, थोड़ा सा बताएंगे इस पे प्लीज। जी भैया नमस्ते। ये कहना है कि मैंने जो मेरी समझ बनी है कि कुछ भी बात जो है जो हम लोग अभी सीख रहे हैं ह्यूमन वैल्यूज में, इसमें मतलब ये मूल्य शिक्षा में, तो उसमें है कि वो एक दूसरे से जो है सो जुड़ा हुआ है। जैसे मान लीजिए कि स्टेप्स, दीदी स्टेप्स के बारे में मैं बोल रहा हूँ, जैसे अभ्यास एक में 7 स्टेप्स है, बराबर है दीदी, है ना, सजगता से शुरू करके मतलब भाव की सजगता से तो हम आखिरी तक जाते हैं, तो जरा 6 और 7 में हमको 6A 6B में क्या देखना है, थोड़ा ये अगर बताएंगे तो सभी को उसका फायदा होगा। हाँ, तो मैं उसी पे आ रही हूँ। जैसे मान लीजिए कि हम बोर्ड पे लिख देते हैं अस्तित्व सह अस्तित्व पूर्वक है, अस्तित्व पूर्वक है तो उसको हम फैला करके फिर देखते हैं अपने में, परिवार में, समाज में। उसी तरह से जो हमारा अभ्यास 1 और 2 है, तो अभ्यास 1 और 2 है वो एक दूसरे से जुड़ा हुआ। पहले हम अपने भाव को देखते हैं, चैतन्य के द्वारा चैतन्य को देखते हैं, फिर हम चैतन्य के द्वारा अपने शरीर को देखते हैं, फिर हम उसको आगे फैलाते हैं कि बाहर से जो फिर हमारा भाव। ये तो आपका सही है, सिर्फ जो ऐसा लिखा है या कुमार भैया ने बार बार बताया कि जो हमारा कंटिन्यूअस इवैल्यूएशन है, मैं से मैं को देखना, तो ये हमेशा रहना चाहिए, यही अपने को 6 और 7 में दिया है और यही UHV 3 का सार है। यानी आप जो कर रही है ये सब सही है, हमको भी ये लग रहा है, लेकिन ये 7 स्टेप्स में से अगर हम 7 के ऊपर ज्यादा 6 और 7 तो हम UHV 3 कुछ सीख रहे ऐसा उसमें देता है। जी दीदी नमस्ते, धन्यवाद, बहुत ही बढ़िया शेयरिंग रही और आपने अपने सही अनुभव बताए। जी नमस्ते सभी को। जी धन्यवाद भैया, धन्यवाद दीदी। भैया अब हम कुमार भैया को आमंत्रित करते हैं दीदी, तो भैया आप अपने ऑब्जर्वेशन पॉइंट्स प्लीज रखें आज की दोनों शेयरिंग के लिए। जी स्वागत है भैया जी। सभी को नमस्ते, दोनों ही शेयरिंग बहुत अच्छी रही। मृणालिनी दीदी को मैं कहूंगा कि दीदी का जीना काफी भाव प्रधान है,
और आप वर्कशॉप भी करती रही हैं, लंबे समय से जुड़ी हुई हैं, परंतु तो बीच बीच में लगता है परिवार की कुछ ऐसी परिस्थितियां बन जाती हैं या स्वास्थ्य की ऐसी स्थिति बन जाती है कि समय थोड़ा कम रह पाता है। दीदी का पीएचडी भी चल रहा था इसलिए बीच में थोड़ा कम समय निकला, अब वापस दीदी फिर से जुड़ पा रही हैं। तो ये जो एक संस्कार है कि हम भाव प्रधान ढंग से जीते हैं, इसका अगर हम सदुपयोग करें और इस भाव को हम चिंतन तक ले जाए, भाव को स्पष्ट रूप से सीधा सीधा देख पाए, तो एक बहुत ही अच्छी संभावना यहाँ बनेगी। क्योंकि अल्टीमेटली परिमार्जन तो भाव के स्तर पे होना है, विचार तो हमें सहयोग करते हैं भाव तक ले जाने में, और ये जो भाव में परिमार्जन हो जाए तो फिर हमारी एक निश्चित गति बनी रहती है। तो इस तरह की संभावना मुझे दिखाई देती है और मुझे लगता है कि थोड़ी सी भागीदारी और बढ़े, अभी दीदी की भागीदारी है और बढ़े, और जो कंटेंट को और विस्तार से जांचने परखने का काम है, मूल्यांकन करने का काम है, वो अगर हम करें तो परिमार्जन की अच्छी संभावना है। दीदी यहीं आगरा में ही रहती हैं और अभी एके टीयू में जिस तरह का काम आगे बढ़ रहा है उसमें भी अच्छी भागीदारी हो सकती है। उस एरिया में आगरा मथुरा में भी कॉलेजेज हैं, अगर उसमें भी समय निकल पाता है कुछ तो वर्कशॉप्स होने हैं उसमें भागीदारी हो सकती है। और जिस तरह से आपने निकट संबंधों में काम कर रही हैं, बच्चों के साथ, हस्बैंड के साथ, इवन कॉलोनी में अगर कोई व्यक्ति रह रहे हैं तो उनके साथ संबंध को पहचान का निर्वाह करना और बच्चों में ऐसे संस्कार विकसित करने का अभ्यास करना, तो बहुत अच्छी बात है दीदी। परिवार में एक अच्छी संभावना है भविष्य के लिए। तो मेरी तरफ से ढेर सारी शुभकामना, आपको भी बधाई, आपको भी। जी जी भैया, नमस्ते सभी को। भैया वो मैं कुछ बोल सकती हूँ क्या? जी भैया, वो जैसे प्रशांत भैया का भी प्रश्न आया था तो उसपे जो मेरे मन में ये है कि जो हमारा स्टेप अभ्यास वाला जो चीज है, ऐसा मेरा मेरी समझ बनी है, मैं गलत भी हो सकती हूँ, कि जो जितना स्टेप है सब स्टेप महत्वपूर्ण है, सब एक दूसरे से जुड़ा है, और हम जब करने आ जाते हैं सारे स्टेप को तो फिर वापस लौट के वहां पर आते हैं, तो एक दूसरे से उसकी कनेक्टिविटी मुझे दिखाई देती है उसमें। मैंने जितना समझा है, मैं ये नहीं कह रह सकती हूँ कि यही वाला एकदम महत्वपूर्ण है और ये वाला गौण है, तो आप इस पे यदि थोड़ा सा कर देंगे तो भैया की भी क्लैरिटी, प्रशांत भैया की भी क्लैरिटी हो जाएगी। जी जी, अगर अभ्यास एक में देखें तो स्टेप वन ही काफी महत्वपूर्ण है अपने आप में, हम भाव के प्रति सजग हो जाएं, उसके बाद आप पाएंगे कि स्टेप 2, 3, 4 अपने ध्यान में बने रहते हैं, क्योंकि उसके साथ मेरी आराम की स्थिति है कि परेशान हूँ, भाव सहज है कि असहज है, निर्णय तो मैं ले रहा हूँ, तो ये हमें ध्यान में बने रहते हैं। इनफैक्ट आप देखेंगे तो जो लेक्चर 28 था उसमें हम लोगों ने सातों स्टेप को क्लब करके कुछ छोटे छोटे स्टेप्स बनाए थे कि मुख्य बात इतनी है। तो स्टेप वन जो है सजग होना, उसमें हम लोग को समय लग जाता है। इनफैक्ट सजगता को भी आप बढ़ाएंगे तो आपको पता लगा कि जितना सजग हुए उससे और आगे सजग होने की संभावना दिखाई दे रही है। स्टेप वन काफी महत्वपूर्ण है, स्टेप 2, 3, 4 उसके साथ जुड़ जाते हैं। स्टेप 5 में जाकर जब हम उसके आधार को देखने जाते हैं तो वो भी कई बार हम स्वीकार लेते हैं कि हाँ मान्यता कहीं आधार में है, फिर वहां पे ये देखना कि अगर मान्यता आधार में तो यहाँ समझ क्या है, यानी ये भाव अगर सहज से स्वीकार नहीं है तो स्वीकार क्या है, ये फिर सेकेंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात है। एक तो सजग होना, दूसरा उसके साथ ये बात को मूल्यांकित कर पाना कि हाँ ठीक है, अगर ये भाव ठीक नहीं है तो भाव ठीक क्या है, उसको देखने का हमको प्रयास करना, फिर सही भाव को देखना, ये जो दूसरा भाग है। तो संक्षेप में कहें तो भाव को सजग होना, मूल्यांकन करना और फिर उसमें परिमार्जन करना, यही तीन मुख्य काम है। परिमार्जन होगा तो निर्णय फिर हम उसके आधार पर लेंगे ही। वैसे ही अभ्यास 2 में देखें तो संवेदना के प्रति सजग होना, फिर उसके साथ स्टेप 2, 3, 4 जुड़ जाते हैं, फिर उस संवेदना को मैं कैसे अर्थ दे रहा हूँ वहां जाकर अपने संस्कार को देखना, ये सेकेंड इम्पॉर्टेंट है कि संवेदना को ठीक से सजग होकर देखना, फिर संस्कार को देखना, फिर उसमें परिमार्जन करना। तो अभ्यास 2 में कहें तो ये तीन बातें मुख्य हैं। जी मेरी बात पहुंची दीदी? जी भैया, धन्यवाद कुमार भैया, सॉरी डिस्टर्ब कर रहा हूँ, लेकिन बहुत ही सही, ये अभ्यास हम बार बार करते रहे ना तो हो जाता है, कहीं ना कहीं चूक होने लगती है, तो ये ऐसा मैं पूछ लेता हूँ। जी जी भैया, नमस्ते कुमार भैया। जी बढ़िया भैया, एंड ओवरऑल मैं कहूंगा कि जो शेयरिंग हो रही है अंग्रेजी और हिंदी सत्र, दोनों ही सत्र में बहुत अच्छी शेयरिंग हो रही है,
ये दिख रहा है कि जो साथी सुबह के साथ अटेंड करते रहे हैं, मन लगा कर उन्होंने किया है। अब आगे का जो काम है वही है कि ये जो मैं में ऊपर की क्रियाएं हैं ब्लॉक B1 की, उस पर हमारी थोड़ी और सजगता बढ़े, संपृक्तता को लेकर हमारी और सजगता बढ़े, प्रकृति के भिन्न भिन्न अवस्थाओं में जो क्रियाशीलता है, जो उनका स्वभाव है, धर्म है, उसको लेकर थोड़ी और सजगता बढ़े, उसको जीने से जोड़ कर देख पाए। ये मुझे एक आगे काम दिखाई दे रहा है। अभी तक जितनी शेयरिंग हुई इससे लोगों का जो निष्ठा है, तत्परता है, ईमानदारी है समझने में, उसको जीने में, वो तो निकल कर आ रहा है। अब थोड़ा सा ज्ञान वाले मुद्दे पे और आकृष्ट होना है, उससे एक जंप मिलेगा हमारे पूरे सोचने जीने में। जी बहुत ही बढ़िया जी भैया, वो शून्य वाला जो है ना, लास्ट स्टेप जो है शून्य वाले में अभी भी धीरे धीरे आ जाएगा वो, जब हम आपका अभ्यास दूसरा अभ्यास करेंगे चौथे अगला सत्र में। लेकिन ये अभी इतना तो जो आप बता रहे, उतना तो थोड़ी थोड़ी क्लैरिटी आ रही। जी भैया नमस्ते सभी को, आज के लिए मेरी तरफ से इतना। जी जी धन्यवाद। बहुत धन्यवाद कुमार भैया और प्रशांत भैया और मृणालिनी दीदी, आप दोनों की शेयरिंग जो क्वेश्चन के रूप में हुई उसे हम सभी को बहुत उपयोगी रहेगा। और जैसे भैया मेंशन कर रहे हैं, हमें अभी और आगे के एक्टिविटीज की ओर भी हमारा ध्यान देना है, तो इसके लिए भी हमारी तत्परता बने। जी जी भैया प्रणाम। हाँ हाँ प्रणाम प्रणाम। बहुत अच्छी दीदी प्रस्तुति रही और ईमानदारी से जो है दीदी आप स्पष्टता और सहजता में सारी बातें आपने रखी हैं और अपनी सभी पारिवारिक और शैक्षणिक जिम्मेदारी का निर्वहन दीदी करते हुए और निरंतर आपका जो UHV का विषय वस्तु है उस पर लगातार आपका ध्यान आप दे रही हैं और अपने में जो गति है ये दीदी कर रही हैं आप, और एक लंबे समय से आप जुड़ी हुई हैं और आपका प्रश्न भी जो है हमेशा हम सबों के लिए जो है वो उपयोगी जो है ये रहा है। शुभकामना दी। जी भैया प्रणाम। भैया जी प्रणाम। जी दीदी विनोद बोल रहा हूँ, मेरी आवाज पहुंच रही है? जी भैया प्रणाम। भैया जी आज की दोनों शेयरिंग बहुत अच्छी, अखिलेश्वर भैया भरतपुर से और मृणालिनी दीदी आगरा में रही हैं और उन्होंने सब अपने कार्य व्यवहार में अपनाया दोनों ने। और मृणालिनी दीदी आपका तो हम बीच बीच में यदा कदा इवेल्युएशन में या अदरवाइज सवेरे वाले सत्र में प्रश्नों के प्रश्नोत्तर के समय या अदरवाइज हम लोगों का संपर्क होता रहा है, तो बहुत अच्छा और अपने जीवन में उतार रहे हैं और आगे तो अभ्यास करने का है ही है। तो इसी के साथ मैं अपने को विराम देता हूँ और दोनों का कार्य काफी प्रशंसनीय है, शुभकामनाएं, धन्यवाद। हाँ जी, मैं इससे पहले रखना चाह रहा था वो भूल गया, अभी मृणालिनी जी का जो याद आ गया था मैं रखना चाह रहा था। दीदी आप खाली इतना बता दीजिए, आप जब भी प्रश्न रखते हैं बहुत जल्दबाजी में या बहुत एग्रेशन नहीं बोल पाऊंगा उसको, जो हड़बड़ी में रख देते हैं, लेकिन आज इतने शांत कैसे हो गए आप? जी नहीं भैया, एक्चुअली ये चीज ध्यान देने वाली बात है कि वो जो मेरा बोलने का जो एक है तरीका, ऐसा नहीं है कि अंदर से मेरा भाव बिगड़ा हुआ या मैं झगड़ा करने की टोन में, वो ऐसा बचपन से अभ्यास बन गया था। तो एक दिन ये भी कुमार भैया का एक ये भी बात बहुत सहयोगी रहा मेरे लिए, उन्होंने किसी दूसरे मैटर पर बोला था, जैसे हम लोग अभी क्रोध करें या कुछ भी, वो हमारा अभ्यास है, स्वभाव नहीं है। तो मेरा ध्यान गया कि नहीं मैं जो है सो जो अपने आप को देखने वाला अभ्यास होता है ना जो हम लोग कर रहे हैं अभी, तो एक दिन ध्यान गया कि वो जो है मैं बहुत हड़बड़ी में तेजी से बोल देती हूँ और ये मेरे बोलने के उसमें तो अभी जो आप हंस के बात कर रही हो ना, अभी जो आप हंस के बात कर रही है ना, आप ध्यान दे के बात कर रही है ना, शायद वो अगर पहले से होता तो बहुत बहुत जल्दी आप पकड़ लेती, लेकिन ऐसा क्या मुड़ गया ये आखिरी के दिनों में? जी आप इतने शांत हो गई, आप हसमुख हो गई, प्रशांत हो गई, मतलब शांत हो गई, इससे ज्यादा मैं कुछ और शब्द नहीं बात करना चाहूंगा क्योंकि मुझे हिंदी इतनी आती नहीं है। तो आपकी जो परिवर्तन या परिमार्जन जो भी बोलते हैं आप में, ऐसा क्या हो गया, इतना ही पूछना था, क्योंकि ध्यान तो गया, आपका ही ध्यान था, आप ही कर रही हो, लेकिन आप इतनी हसमुख और शांत, मतलब शांत क्या और क्या वर्ड्स होते हैं, मतलब यू आर टॉकिंग वेरी नाइस पीसफुली।
जिसको हम लोग कहते हैं संगीत में आ जाना, जो हमारे उसमें शब्द है। नहीं भैया वही बात है ना कि जैसे हम लोग सूचना के रूप में तो कई सारा वर्कशॉप में सुन लिया, लेकिन महत्वपूर्ण ये है कि हमने किस चीज पर ध्यान दिया। तो ध्यान यदि हम देते हैं तो वो चीज तो हमारे उसमें परिमार्जन हो। यदि हमारा ध्यान, जैसे सर उदाहरण देते हैं कि हमें यदि ये चीज समझ में आ गया कि ग्लास को हम सरफेस पर रख सकते, हवा में नहीं रख सकते, तो फिर वो गलती नहीं करेंगे। यदि कोई चीज हमें समझ में आ गया है तो फिर वो गलती नहीं होगी। गलती हो रही है इसका मतलब वो समझ में नहीं आ रहा है। तो मान लीजिए बहुत छोटी बात है कि मैं बहुत तेज आवाज में बोल रही हूँ या हड़बड़ी में बोल रही हूँ या मेरे बोलने का, जबकि अंदर से मैं वो नहीं हूँ, तो इस पे मेरा ध्यान चला गया। मैं अपने आप को देखने का जब अभ्यास कर रही थी तो अब ऐसा है कि यदि मैं उस हिसाब से बोलती हूँ तो मेरा भाव आप लोगों को हो सकता है और स्पष्ट हो, ऐसे लगे कि पता नहीं दीदी कहीं हड़बड़ी में आई है या परेशान है और क्वेश्चन पूछ दिया, प्रश्न पूछ दिया। तो वही है कि हम जिस क्षण ध्यान दे देते हैं तो वो चीज होना निश्चित हो जाता है। तो ये आप ही लोगों का उपकार है, आप ही लोगों के संसर्ग में रह करके, अच्छी बातें सुन करके, अभ्यास करके, तो ये चीज मेरे में हुआ है। और मैं अभी मेरे में बहुत और भी वो चीज है, मेरे कल्पना से जिसको हमारे सर कहते हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में प्रॉब्लम है, तो उसको जब मैं और सुधार कर लूंगी अपने ऊपर काम करके, तब आप लोगों के सामने और जो है सो अच्छे से प्रस्तुत होंगी, जो आप लोगों को दिखेगा। अभी मुझे थोड़ा बहुत दिख रहा है, बाद में फिर दिखेगा, है ना। यही हमारा लक्ष्य है, यही हमें करना है कि हम अपने, जैसे भैया हम लोग बोलते हैं ना कि सहज, वो बहुत सहज, वही सहज ही होना बहुत कठिन है मुझे लगता है। तो वो मैं सहज हो जाऊं, यही लक्ष्य है, जो आप लोगों को भी दिखेगा। अभी नहीं दिखेगा उतना, जब बीज फूटता है अंदर से, जमीन के अंदर से, तो वो सबको नहीं दिखता। जब वो छोटा पौधा बनता है, पेड़ बनता है, तब दिखता है। तो वो मुझे थोड़ा बहुत दिख रहा है, आप लोगों को भी दिखे, ये हो सकता है 5 साल और लगे, हो जाए 1-2 साल और लगे। यही बात है भैया, और कोई बात नहीं। बहुत बढ़िया दीदी, बहुत बढ़िया, धन्यवाद। नमस्ते सभी को।